वेलकम टू एक्टर्स एंड वॉइस एक्टर्स डबिंग टिप शो। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं डबिंग टिप्स के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, और आज मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आप डबिंग फील्ड में नए नए उतर चुके हैं फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, या फिर अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है फिर भी बहुत कम जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो एक साउंड इंजीनियर और एक वॉइस एक्टर बात करता है, और वो वर्ड है क्यू रोल यानी प्री रोल। क्या आप लोग जानते हैं क्यू रोल या प्री रोल का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप कोई सीन डब कर रहे हैं, कोई मूवी का कैरेक्टर डब कर रहे हैं, और आपने एक डायलॉग बोला, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आई विल बी बैक, आपने हाफ डायलॉग डब कर लिया, मुझे घर जाना है, मुझे लेट हो रहा है, इतना सा जो पर्टिकुलर सीन है ये साउंड इंजीनियर ने पैच कर दिया। आगे का डायलॉग जो है आई विल बी बैक, ये आपको फिर से कहना है। तो आप साउंड इंजीनियर से कहेंगे कि मुझे क्यू रोल देना या मुझे प्री रोल देना। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो डायलॉग डब किया है वही डब किया हुआ डायलॉग आपको आपके कानों में हेडफोन से सुनाई देगा, और आगे के डायलॉग को कंटिन्यू करना है। इसे कहते हैं प्री रोल या क्यू रोल। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मुझसे लाइव या ऑनलाइन सेशंस में जुड़ सकते हैं स्टूडियो के अंदर, और 101 सेशन डबिंग एंड वॉइस ओवर के बारे में कर सकते हैं। थियरी और प्रैक्टिकली में बहुत फर्क होता है दोस्तों। अभी अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो वो एक थियरी समझा रहा हूं, लेकिन अब अगर आप प्रैक्टिकली स्टूडियो के अंदर माइक के सामने ये सारी चीजें आजमाते हैं एज अ प्रैक्टिस, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आगे चल के आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगा। गॉड ब्लेस। जय हिंद।